तो आपको एक मैं बहुत प्यारा ओल्ड सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सकी न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सकी न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि हमसे दूर हो गए। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ अपना नए साल में अपना हेयर कट कराने और थ्रेडिंग करवाने, और तो चलिए फिर व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। आज मैं खुद से ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं, तो मैं खुद से लोनली, आप देखना मैं कितने अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करती हूँ। तो कंटिन्यू बने रहना व्लॉग में। ऑर्डर किया है और अब हम कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। बेचारों की सिंगल अकेली लाइफ। मैंने सोचा सिंगल लाइफ में कुछ थोड़ा मस्ती किया जाए, फन किया जाए, लाइफ तो वैसे ही बोरिंग है। तो आज के दिन को काफी यादगार बने। आप लोग वीडियो को आप अकेले कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कोई आपके साथ हो, खुद भी खुश रह सकते हो। खुद मैं अकेले में खुश रहती हूँ यार।
खाना पीना यार, खाना पीना डांस वगैरह सब कुछ हो गया, और क्या चाहिए। बस आगे करवाया, मुझे साधना बहुत पसंद है तो बस मैंने आगे का कट करवाया, पीछे का नहीं यार, क्योंकि ना पिछली बार ना उसने मेरे बाल बहुत छोटे कर दिए तो मुझे लंबे बाल का बहुत शौक है। अबे यार क्या है, इसे तो चावल में इसे तो खिचड़ी बन जाती यार, क्या यार। अबे ठीक तो गाइस, अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का और दूध नहीं है तो हम ब्लैक टी बनाएंगे और ब्लैक टी पियेंगे। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये मेरा लोनली ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मुझे पसंद करते हो और आगे मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ब्लॉगिंग में और मैं आपके लिए, आप मुझे जितना ही सपोर्ट करोगे उतने अच्छे अच्छे मैं आपको फ़नी ब्लॉग और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे फिर दिखाती रहूँगी और सन 2023 में भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसलिए अपनी, और मैं भी सोच रही हूँ गाइस मुझे सजेस्ट करना, मैं सोच रही हूँ अपने चैनल का मैं नाम चेंज कर लूँ और कुछ सजेस्ट करना मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ, सोच रही हूँ कि क्यूट रीजा रख लूँ, क्यूट ब्लॉगर, कुछ ऐसा समथिंग समथिंग। तो मुझे सजेस्ट करना गाइस मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। आपको हैप्पी न्यू ईयर, हमेशा खुश रहो आप सब और खुदा करे मैं भी हमेशा खुश रहूँ, मेरे घर वाले खुश रहे, मेरी बहनें खुश रहे और जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह है सब कुछ सब कोई खुश रहे, आप भी खुश रहो, अल्लाह आपको भी बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। और जो भी किसी किसी से कोई रंजिश रही है मेरी, कुछ भी रही है, तो उसके लिए मैं इतने नए साल में माफ़ी मांगना चाहूँगी हर वो उस इंसान से जिसका मैंने जाने अनजाने दिल दुखाया है। और अगर मुझसे जाने भी कोई गलती हो गई तो प्लीज़ इस सन 2022 में आप मुझे माफ़ कर दो और मैं आइंदा ध्यान रखूँगी किसी का कभी दिल ना दुखाऊँ। और तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी हर वो उस इंसान से जिसका मैंने दिल दुखाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और सन 2023 है और आप हर किसी के लिए अच्छी दुआ करो, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी कि आपके लिए सन 2023 आपके लिए भी, मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, अजीज़ हैं, उन सबके लिए कुछ अच्छा लाए और अच्छी सौगात लाए, प्यार की सौगात लाए। और यार नफ़रत में कुछ नहीं रखा है, नफ़रतों की दुनिया में क्या रखा है, नफ़रतों की दुनिया में क्या रखा है, सबको एक दिन मर के जाना है। तो इसलिए यहाँ जो भी है सब कुछ माफ़ कर दो, क्या पता आप आज हो कल मैं ना हूँ। तो इसलिए यार फॉरगेट इट ऑल, जो भी हुआ अब से एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलो इसी के साथ गाइज बाय बाय।